तो गुरु आज है जुमा का दिन और अभी बज रहे हैं 10 सुबह के, तो पूरी ओर सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है खतरनाक तरीके से, कोनो रोड पे दिख नहीं रहा है। धूप का आज का जो हाल है वो थोड़ा हल्का है, सऊदी अरब में रियाद शहर में जो धूप है वो थोड़ा हल्का है, ऐसा आँख छपक छपक नहीं हो रहा है। धूप तेज रहता है तो जानते हैं हम नहीं निकलते हैं, कहा है कि धूप से हमको चिड़ है बहुत ज़्यादा। तो भैया बज रहा है लगभग 10, रोड एकदम सन्नाटा पड़ा है। आज थोड़ा बाहर कुछ खाने, अब जा रहा है रूम पे, बैठेंगे लेटेंगे नहाएंगे धोएंगे, कहे कि जुमा है नमाज पढ़ने जाना है। नमाज तो ऐसे है पूरा टाइम का चलता रहता है, नमाज नहीं छोड़ना है। ये हमारे पीछे फार्चुनर है, जानते हैं रोज खड़ी रहती है, कहीं जाती नहीं है। तो भैया चलते हैं, किवाड़ खोलते हैं और उसके बाद नहाते हैं धोते हैं, नहाने के बाद फिर निकलते हैं। ये जुमा थोड़ा सा अलग और ख़ास होगा क्योंकि ये जुमा के दिन आज पहला जुमा है, रमज़ान के बाद पहला जुमा है और पूरा छुट्टी है। तो चलिए मिलते हैं नमाज के समय, ठीक है। तो भैया फाइनली हम तैयार हो गए हैं और नहा धो लिए और उसके बाद अब बज रहा है लगभग बज रहा है 11:30 और जुमा की नमाज जो होती है भैया यहाँ पे वो अव्वल टाइम पे होती है, पहले होती है, मतलब जान रहे हैं वो होती है लगभग, क्योंकि हमने दरवाज़ा चेप्टर ने बंद किया है कि नहीं, हमने कभी कभी हम भूल जाते हैं कि दरवाज़ा हमने बंद किया है कि नहीं बंद किया है, दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो दुकानें अभी सारी बंद हैं, जुमा है, जुमे का टाइम हो गया, वैसे भी दुकान जुमा के दिन सब बंद रहती है। गाड़ी खड़ी है तो भैया जो नमाज का टाइम रहता है यहाँ पर वो 12:15 तक जमात का टाइम रहता है, 12:20 तक, मतलब मान लीजिए इंडिया में जो होती है 12:45, 12:40, 12:30, 1:30, यहाँ पे एक ही टाइम होता है और 12:15 या 12:20 पे यहाँ जमात खड़ी हो जाती है। तो रोड पे पसड़ा है एकदम सन्नाटा, कहा कि आज जुमा है, जुमा के दिन सारी चीज़ दुकानें बंद होती हैं, एग्जैक्ट नमाज के टाइम सब लोग शिरकत करते हैं मस्जिदों में। कहा कि ज़्यादातर लोगों को सब जगह अपने इंडिया में भी घर में पता नहीं क्या चीज़ मिलता रहता है, क्या चीज़ काटता रहता है मस्जिद में कि मस्जिद नहीं आते हैं, घर में बैठ के अंडा दे लेंगे मगर मस्जिद में एकदम एक्यूरेट टाइम पे आएंगे, नमाज जब खड़ी हो रहेगी तब आएंगे, जगह की वजू बनाएंगे और नमाज पढ़ लेंगे। तो फिर चलिए अब हम लोग पहले चल रहे हैं, चाचा हैं हमारे पड़ोस में एकदम कल रूम है, चलिए फिर अब हम लोग मस्जिद, हमारी वो है मस्जिद और हम हैं, जान रहे हैं आजकल हम थोड़ा कम अच्छे दिखने लगे हैं, बाल हम कटवा दिए हैं, बाल जो सऊदी में यहाँ का पानी है वो खारा है, पूरा बाल ख़त्म कर देता है, देखिए हमारा बाल ख़त्म हो रहा है, इसलिए हम पूरा बाल छिलवाए रहते हैं, टकला हो जाते हैं, अभी एक दो दिन के अंदर हम फिर बाल अपना छिलवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ सकते हैं, हमारे बाल से इरिटेट नहीं हो रहे होंगे। तो भैया मस्जिद के बहुत करीब आ गए हैं तो अब चलिए जल्दी से रोड को क्रॉस कर लें, कहे कि कौनो कचल देगा अगर तो चपक के आमलेट बन जाएंगे। तो चलिए फिर मस्जिद के अंदर का रास्ता, मस्जिद के अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं अपने मोबाइल से। मस्जिद के अंदर ये बोतल रखी थी पानी की, ये मस्जिद है हमारी, ये लड़का छुप के मोबाइल खेल रहा है यहाँ पे, हम आतरा ये भी हम वीडियो बना रहे हैं, मोबाइल खेल रहा है, तो नमाज पढ़ने के बाद ये इस तरह का पानी का बोतल मिलता है, मतलब रखा रहता है बहुत सा, मुझे सबसे अच्छा डिजाइन का बोतल यही लगता है पानी का, इसमें 200 ml पानी होता है, 200 ml लिखा हुआ है और ये बोतल बहुत खूबसूरत होती है, एक बार खोलिए और पी लीजिए, ये मस्जिद में रखी रहती है, तो आज के दिन मस्जिद से लोग इसको उठाते हैं, रोज़ रखी रहती है मगर जुमे के दिन ज़्यादा रखी रहती है ताकि बाहर के लोग आएँ और उसको पी लें। तो हम लोग अब फाइनली नमाज पढ़ लिए हैं और बोतल देखिए हम लोग बटोर लिए हैं,
और हमारे इस राफील भाई के रूम में अगर आप चले जाएंगे तो एक आध दो पेटी बोतल पानी इस तरह का आपको मिल जाएगा। हमारे मुदीर है, ये मुदीर साहब हैं, ये मतलब कि थोड़ा मोड़ा नहीं लेके जाते हैं, डायरेक्ट पेटी पेल देते हैं। तो अगर आपको ऐसा कभी दिखे सऊदी में कोई आदमी पानी उठा के पेटी वेटी ले जाता हुआ रूम पे, तो आप घबराइए कि नहीं, तो हमारे इस राफील भाई हैं और उसको बाहर जाके किसी को बेचते वेचते नहीं है, खुद ही पी लेते हैं। आप सोचेंगे कि बाहर बेचते तो ऐसा काम ही नहीं करते हैं। तो नमाज हो गई, नमाज टोटल 6 मिनट की थी, यहाँ पे 12:03 पे शुरू होती है और 12:06 पे खत्म। सुन्नत ये लोग घर पे जाते हैं तो 3 दिन बाद पढ़ते हैं आराम से, सऊदी उस दिन नहीं पढ़ते हैं। और बहुत से लोग ऐसे चश्मा लगा के आते हैं, चश्मा वश्मा लगा के एकदम बकायदा नमाज पढ़ने, लिपस्टिक विपस्टिक भी लगा लेते हैं बहुत से लोग। नहीं, ये चश्मा लगा है, धूप लग रहा है। अच्छा, इनको धूप लग रहा है, चश्मा लगाए, देखिए इनको गर्मी लग रहा है, वो गाड़ी खोल दरवाजा खोल के एकदम एसी कंडीशनर चला के बकायदा बैठे हैं। चलिए फिर नमाज हो गई है, अब मिलते हैं नमाज के बाद। नमाज के बाद तो मिल रहे हैं, नमाज के बाद में अब मिलते हैं अगले जुमे को, तब तक लिए बाप आए। ये इस राफील भाई, इनकी शादी हो गई है, बहुत से बच्चे हैं। बाय बाय।